सीतामऊ तहसील के गांव लारनी में ग्रामीण जनों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए बताया, जिस जमीन पर हम बरसों से हमारे पशु चराते थे और उस पर हमने कब्जा कर रखा है, जिसकी तोजी भी हम जमा कराते हैं। पटवारी को समय समय पर तोजी का पैसा राजस्व में जमा करते रहते हैं, उसके बावजूद भी सरपंच शासन की भूमि छोड़कर हमारे कब्जे हुई जमीन पर गौशाला निर्माण करना चाहता है। हमने पुलिस थाने में भी कंप्लेन की है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में हम गरीब मजदूर परिवार कहाँ जाएंगे और किसको अपनी बात सुनाएंगे? शासन हमारे साथ अन्याय कर रही है। गांव के बंजारा समाज के लोगों ने जानकारी दी, अगर हमारे कब्जे की भूमि पर गौशाला निर्माण हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या समस्या आपको? ये समस्या सर, उम्र जगह छोड़ के और गौशाला कहाँ भी बना, 500 बीघा जगह पड़ी है और हम गरीब लोग हैं, अतिक्रमण हमने भर चुके हैं। हम क्या खाए, हम गारा खाओ क्या? सरकार तो मेरी सुनती नहीं है और हम मरेंगे यहाँ इस जगह में। हम बच्चा छोड़ दे और कहाँ भी बनाओ सर, गरीब आदमी हम पैसा भरिया है और मेरी जमीन छोड़ के और आगे बढ़ाओ। 500 बीघा जमीन पड़ी है वहाँ पर बढ़ाओ। हम गरीब आदमी मंजूर कर करके पैसा भरिया है, 5 साल का जरिमाना भरिया है, जोधपुर जनता का जरिमाना भरिया है। शुरू में सुन लो, गरीब आदमी जेर खा के यहाँ ही मरेगा। ब्लैक जेर में खाएंगा, फांसी दे दो हमको, गोली लगा, फांसी लगा तो भले हमको गोली काट दे, तो गोली काट दे, तो गोली लगा दो हमको। सरकार भी सुनती है, सरकार का लिस्ट सब ले लेती है और सरकार हमको डांटती भी है कि तू माना ही नहीं इस जगह में, तो हमारी सरकार कुछ भी तो नहीं सुनती है। कोई भी नहीं, हम क्या करेंगे? हम क्या गारा खा के जियेंगे? क्यों मेरे चाचू के पानी में डाल देंगे? इतने इतने मोटे छछन के कपड़े छात्रा नहीं मिलते हैं मेरे सर, इनकी भी तो ख्याल रखेगा सरकार, नहीं रखेगा इनको भी? सरकार उम्र कुछ भी नहीं सड़ रही है। मैं मरेंगे इस लड़के को चाचू के साथ में लेकर सर, मैं मेरे कुछ नहीं कर मेरी सरकार ना, तो मेरी सरकार सुनने में देश वाला सुने, ये काम भी साला है, ये 150 रुपये में मर मेरे काम कराता है, 700 रुपये 3-7 बजे छुट्टी देते हैं सर। वो मेरी औलाद को क्या खुआएंगे, हम कहाँ खुआएंगे? क्या ये लोग भी सारा लोग हैं और हमको गरीब को डांटते हैं? दिन रात के तहत तुमको चक्कू भर देंगे, तुमको गोली लगा देंगे, इधर आओगे तो हम तो कोई परवाह नहीं। ऐसी धमकियां कौन देता आपको? ऐसी धमकियां कौन देता गोली मारने की आपको? पूरे गांव की एकता करके हमको डराते हैं, हमारे गांव की पूरे की एकता है, हम आपको मार देंगे। इसकी शिकायत वगैरह करी आप लोगों ने? हम लोगों ने सर की शिकायत, वो क्या करते हैं, पूरे गांव वाले एकता में आगे हमको डराते हैं, हमारा गांव एक तरफ है और आप एक दो आदमी क्या करोगे, मार देंगे, नदी पास पड़ी पता भी नहीं चलेगा, आप कहाँ चल जाओ सर, हमको धमक देते हैं। वो 3 महीने तक उन्होंने रात में और दिन में बंदूक लेके यहाँ पे घूमते हैं सर, हमको मारने के लिए। ये हमने रिपोर्ट भी की है सर, थाना प्रभारी के वहाँ पे सीतामऊ में। फिर सुनवाई हुई आपकी? कुछ नहीं हुई सर, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई सर। हम हरदीप सिंह डंके वहाँ पे गए थे, उनको भी बोला था सर, हमने उनसे भी निवेदन किया था कि वो गौशाला आ रही, हम गरीब लोगों की जमीन छोड़ के बनाए, और वो थाना प्रभारी को हमने रिपोर्ट की सर, उनको बोले वो उनपे कार्रवाई करे, वो भी कार्रवाई नहीं की जा रही सर, और हम गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे हम क्या करें, हमारी कोई सुनते नहीं सर, हम अगर हम मर गए तो हमारी मौत के जिम्मेदार कौन हो गए आप बताओ? सर शासन सरकार है, हमसे पैसे भी लेते हैं सर, हमको जमीन भी देते हैं, ये कौन सा न्याय है सर? न्याय हमारे साथ हरदीप सिंह डंगजी है, वो हमारे मंत्री भगत राम, गाँव लारनी खतरूखेड़ी में हमारा कब्जा कई सालों से चला आ रहा है सर, और हमको जबरन ये लोग इस पर गौशाला बना रहे, जबकि 400-500 बीघा जमीन पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे और जबरन यहीं आके गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। 400-500 बीघा जमीन में हमारी जमीन छोड़ के 55 बीघा का हमने जुर्माना भर रखा है और पूर्व से हमारा कब्जा चला रहा है, फिर भी ये लोग कोई हमारी सुनते नहीं, ना तो अधिकारी सुन रहे, ना नेता लोग सुन रहे, हमको जबरन दबाया जा रहा है। और अगर ये हमारे गौशाला का यही निर्माण हुआ तो हमें आत्महत्या करके मरना पड़ेगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमको बचा ले, मीडिया से और पूरे देश की जनता से। हम बंजारा समाज से आते हैं और बंजारा समाज से निवेदन है कि हमारी मौत का कारण आवाज़ उठा है हमारे मरने के बाद में, ये लोग हमारी सुनते नहीं है, जबरन हमको दबाया जा रहा है और हम निवेदन कर रहे हैं, कई सालों से भागे जा रहे हैं, हमारी तारीख चल रही है तहसील में और ये लोग फिर भी जबरन आके गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि हमें बचाया जाए, हमारा आपसे निवेदन है हमें बचाया जाए सर। हम बहुत हमारे 1-1 रुपया मजदूरी कर करके हमने जुर्माना भरा है ये, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है, हमारी जुर्माना भरे 1-1 रुपया हमारे मजदूरी कर करके हमने पैसे भरे हैं, लेकिन सुनते नहीं है। हम हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया इन्हों से, और ये सरपंच
पति सरपंच पति राम सिंह इसमें बहुत नेतागिरी कर रहा है और ये सब नेताओं के ये इलाके जबरन यहाँ गौशाला का निर्माण करा रहा है और हमको सुनते नहीं, हमारी हमसे बात तक नहीं कर रहा जब से ये हमने किया गया हमारा कब्जा है तब से, और हमने हमारे पास बेकायदा नोटिस जारी है, हमारे पास सब कुछ कंप्लेंट पड़ा हुआ है, फिर भी ये लोग हमारे से सुनते हैं, हमको कहते हैं तुम्हारा तो फर्जी है। और कई ये खतरू खेड़ी वालों ने हजारों 500 बीघा भी अतिक्रमण करके इन्होंने फसलें बो रखी है, वो इन्होंने गौ जो गौ चरणों ही होती वो तक आपके फसल बो रखी है, लेकिन ये लोग हमारी सुनते नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे न्याय कर, तो न्याय करने के बाद में भले यहाँ गौशाला निर्माण करो कुछ भी करो, लेकिन हमारा न्याय नहीं होए जब तक ये गौशाला का हम निर्माण नहीं करना देंगे। अगर इन्होंने आज निर्माण किया तो हम जेर खा के आत्महत्या करके मरेंगे सर, यही हमारी प्रार्थना और निवेदन है, और देशवासियों से भी निवेदन है, हमारा सबसे निवेदन है कि हमारी मदद करें। हम जैसे वो सुशांत के साथ हुआ है वैसा ही हमारे साथ होने जा रहा है सर, अगर वो रहा नहीं हम जिंदा है अभी, इसलिए हम पहले से प्रार्थना कर रहे हैं हम मर जाएंगे सर, हमको बचा लो सर।